ब्यावरचिड़ी थाना पुलिस ने शहर के बहुचर्चित टाइल्स व्यापारी भगवती प्रसाद अग्रवाल अपहरण व लूट प्रकरण का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने प्रकरण में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार सभी आरोपियों का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, सभी पहली बार अपराध में शामिल है। अपहरण व लूट प्रकरण का खुलासा करते हुए डिप्टी मनीष चौधरी ने बताया कि 22 दिसंबर को घटित अपहरण व लूट प्रकरण के सामने आने के बाद एसपी अजमेर चूनाराम जाट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वैभव शर्मा के निर्देशानुसार डिप्टी मनीष कुमार के सुपरविजन में सिटी थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर प्रकरण की जांच शुरू की गई। प्रकरण की जांच के दौरान जानकारी मिली कि पीड़ित व्यापारी के साथ घटित घटनाक्रम पूर्व पार्षद सुभाष चौधरी द्वारा तैयार किया गया, जिस पर टीम को पूर्व पार्षद की आर्थिक और व्यापारिक स्थिति के बारे में पुख्ता जानकारी हासिल करने का टारगेट दिया गया, जिस पर पूर्व पार्षद की गतिविधियां घटना के बाद में संदिग्ध होने और पिछले कुछ समय से आर्थिक स्थिति से जूझने की जानकारी भी प्राप्त हुई। पूर्व पार्षद की भूमिका के बारे में जानकारी की जाकर घटना की तारीख को पूर्व पार्षद के संपर्क में रहे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाकर डिटेन किया जाकर पूछताछ की गई तो उक्त घटना घटित करना स्वीकार किया गया। आरोपियों द्वारा पूछताछ के दौरान पीड़ित व्यापारी की काफी समय से रेकी की जाकर अपहरण कर बड़ी रकम वसूल करने की योजना बना रखी गई थी। कुछ समय से पूर्व पार्षद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पूर्व पार्षद द्वारा अपने परिचित रेलवे कर्मचारी अब्दुल सलाम के साथ मिलकर अपहरण की योजना तैयार हुई। योजना के दौरान पूर्व पार्षद और अब्दुल सलाम द्वारा कुआर कार्य का विभाजन हुआ। अपहरण करने का तरीका पूर्व पार्षद सुभाष चौधरी द्वारा तैयार किया जाकर अपने परिचित व्यक्ति को यूनिफॉर्म की व्यवस्था कराई गई और पूर्व नियोजित तरीके से पीड़ित का प्रतिष्ठान पर आने जाने का समय चिन्हित हुआ। उक्त कार्य आरोपियों द्वारा 16 दिसंबर से निरंतर किया जा रहा था। पीड़ित के जाने का सही टाइम का आंकलन किया जाकर सुभाष और अब्दुल सलाम द्वारा अपने गुर्गों को सक्रिय किए जाकर पीड़ित का 22 दिसंबर को अपहरण कर लिया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सुभाष चौधरी पुत्र करम सिंह जाट निवासी गायत्री नगर अजमेर रोड, अब्दुल सलाम पुत्र जम्मा खान खो नागोरियन जयपुर, इरफान उर्फ सन्नी पुत्र अब्दुल सलाम लोहार निवासी खो नागोरियन जयपुर, महमूद अहमद पुत्र अहमद खान निवासी बड़ी पोल चंद्रा, मुकेश सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह रावत निवासी बंदिया बोरवा राजसमंद, राकेश सिंह पुत्र हरलाल रावत निवासी सिंगाड़िया सदर थाना, वीरेंद्र सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी साकेत नगर ब्यावर, अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी नूंद्री मेंद्रातान, नदीम मोहम्मद पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी नूंद्री मेंद्रातान और चांद सेफी पुत्र सिराज सेफी पुलिस थाना लोहा मंडी आगरा शामिल रहे। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से लूटी गई राशि के बारे में गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस की टीम जिन्होंने ये कारनामा कर सफलता हासिल की उसमें थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा, रणवीर सिंह, जितेंद्र सिंह, शेर सिंह, गोपीराम, रामप्रसाद, पवन कुमार, भगवान सिंह, मोहित, भवानी सिंह, राजकुमार, राजेंद्र सिंह और देशराज आदि शामिल रहे। जैसा कि आप सबको पता है कि 22 दिसंबर को ब्यावर में एक यहीं के ही व्यापारी से लूट हुई थी भगवानी प्रसाद अग्रवाल जी से, और उसी दिन से जो है हमने थाने की जो अलग अलग टीमें गठित कर दी थी और मैं स्वयं जो है मौके पे गया था और जो परिवादी है उनसे बात किया, और उसी दिन से जो है हमारी पूरी टीम लगी हुई थी इस पे। और पहले दिन से ये लग रहा था कि इस केस के अंदर जो है लोकल जो लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और इसी पे हमने आगे काम करना चालू किया। और आज हमने है जो है करीब 10 जो है अभियुक्तों को आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और सबसे खास बात इसमें ये है कि सभी आरोपियों के खिलाफ ये पहला मुकदमा है, इससे पहले इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। और एक जो बात मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो अधिकारी जो है वो जो है नक्शा मौका देख सकते हैं, परिवादी से मिल सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन तय कर सकते, बता सकते हैं, टीमें बना सकते हैं, बट जो ग्राउंड पे जो असली काम जो होता है वो हमारी जो टीम होती है वही करती है। और इस केस में जो हमारी थाने की जो स्पेशल टीम है उसका बहुत ही अहम योगदान है, जिसके अंदर जितेंद्र, गोपी, भगवान, मोहित, भवानी, इनका बहुत ही अहम रोल है इसके अंदर। और अभी तक इस केस में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, और जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन ओपन होता जाएगा अगर कोई और इसमें शामिल है तो उन्हें भी हम दस्तयाब करें। इनको जो है कुछ आरोपियों को हमने ब्यावर और उसके आसपास के इलाके से गिरफ्तार किया, और कल रात को 3 आरोपियों को जो है कोटपुतली से, पहले हमने जयपुर में दबिश दी उसके बाद कोटपुतली से इनको दस्तयाब किया। मेन कल्प्रिट तो अभी नहीं बता सकते, बट हाँ सुभाष जो है उनका अहम रोल है इसके अंदर। वारदात के दौरान ये सारे लोग एक साथ थे, सारे कुछ लोग ही थे? नहीं, कुछ लोग ही थे,
कुछ लोग मोबाइल पे इनके संपर्क में थे, कुछ लोगों ने गाड़ी सप्लाई करी इनको, कुछ लोग जो है वो रुपए को ठिकाने लगाने में लगे हुए थे। तो तीन चार लोग जो है वो मेन वारदात जिन्होंने करी और बाकी लोग भी जो है उसके अंदर शामिल। तो अभी चल रहा है इसके ऊपर काम चल रहा है। ब्यावर शहर का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम टैलेंट पॉइंट, जहां आप पाएंगे सूट कोट शेरवानी की आकर्षक वैरायटी मात्र 2200 रुपए में। फुल सूट कपड़े में सिलाई सहित साथ ही पाइए आकर्षक उपहार टाइपिन रुमाल मोजे हैंगर व सूट कवर। किराए की छोड़िए घर ही की ले जाइए मात्र 2500 रुपए में। डिजाइनर शेरवानी रेमंड ओसियन सियाराम रीड एंड टेलर न्यूमैन ब्रांड की इम्पोर्टेड वैरायटी वाजिब दाम में उपलब्ध। अजमेर के कुशल कारीगरों द्वारा वाजिब दाम में पैंट शर्ट कुर्ता पजामा सूट व शेरवानी की सिलाई भी की जाती है। तो पता नोट कीजिए, टेलर पॉइंट दुकान नंबर 22 शांति टावर चांगेट ब्यावर, संबंधित फर्म जोधपुर टेलर्स रामगंज अजमेर। मोबाइल नंबर 9602062799925223920।